24 फरवरी में जो हम लोग उनका काउंसिल इसी से पास किया है वो रिवोक करना है 7 दिन के अंदर में। रिवोक नहीं करेगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेगा, बंद करेगा काउंसिल, तक कभी घेराव करेगा पब्लिक से जरूरत पड़ेगा तो। इसलिए ये धमकी नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, हम अपील है काउंसिल को। जो काउंसिल से जो 24 फरवरी 2022 में जो सीएम कॉन्फ्रेंस हॉल में जो ईसी से जो रेजोल्यूशन पास किया था, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 28 फरवरी और 15 मार्च का, उस नोटिफिकेशन में इट इज टोटली अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब जो हम यहाँ पर बैठता है, इट इज टोटली अगेंस्ट द सिक्स शेड्यूल एरिया का। हम लोग सिक्स शेड्यूल एरिया बनाया है सरकार से, हम लोग का राइट और कस्टमरी लॉ ये सब प्रिजर्व करने के लिए बनाया है, मगर हम लोग का काउंसिल से ये पूरा डिप्राइव किया है, हम लोग को पूरा जेनरलाइज हम लोग को किया है। और इसमें हम लोग जाना है कि हम लोग का पब्लिक से भी कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है पीआरसी में जब अप्लाई करता है, कि ये पीआरसी में हम लोग को मांगा है कि लेन पट्टा। सिक्स शेड्यूल में कहा लेन पट्टा होता है, मुख्यदार होता है, गाँवगुरा के एनओसी में हम लोग आज तक चलता है, रिवेन्यू लेन है ये सब, और ये लोग हम लोग को मांग रहा है लेन पट्टा और 1970 का वो वोटर आईडी मांगा, मगर जब वो लोग इलेक्शन में खेला है तो लेटेस्ट में ही वो लोग खेला है। हम लोग उनको चुना इस बार, वो लोग जितना काउंसिल में बैठा है लेटेस्ट वाला से हम लोग तो वोट किया है ना, उनको बैठाया है ना, उनको तो 1970 किस रूल से वो लोग मांग रहा है। और ये शेड्यूल ट्राइब लोग हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए तो हम लोग को काउंसिल बनाया है, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए काउंसिल नहीं बनाया है, हम लोग को डिप्राइव करने के लिए ये नहीं बनाया है। और ये स्टेट गवर्नमेंट से जब भी बिल पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है तो हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करता है, सजेशन लेता है, मगर हम लोग का काउंसिल तो कुछ कंसल्ट भी नहीं करता है, सजेशन भी नहीं देता है, खुशी खुशी ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा पास करेगा। हम लोगों का काउंसिल है शेड्यूल ट्राइब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अभी हम लोग उनको सुनने मिला है कि एनआरसी हम लोग उनको मांगता बोला है। अरे हम लोग का काउंसिल एनआरसी कैसा मांग सकता है, जब हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, अभी तक आरजीआई रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया से भी ये लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया था, नोटिफिकेशन नहीं किया था, अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ एनआरसी, अभी तक कोर्ट केस में चल रहा है, अभी तक रिवेरिफिकेशन करने के लिए बातचीत चल रहा है, अभी सबको अभी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट लोगों को भी अभी कंसल्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली में भी 26 लाख का आदमी को जो लोग बायोमेट्रिक में लॉक हुआ है उनको खुलने के लिए अभी फैसला ले रहा है, अभी कंसल्टेशन कर रहा है, ताकि अपना असम का पब्लिक, असम का जैसे वाले को सिटीजन लोग उनको बेनिफिट मिल सकने के लिए अपना स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट लोगों को भी अभी कंसल्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली में भी 26 लाख का आदमी को जो लोग बायोमेट्रिक में लॉक हुआ है उनको खुलने के लिए अभी फैसला ले रहा है, अभी कंसल्टेशन कर रहा है, ताकि अपना असम का पब्लिक, असम का जैसे वाले को सिटीजन लोग उनको बेनिफिट मिल सकने के लिए अपना मिनिस्ट्री से, बीजेपी मिनिस्ट्री से मदद कर रहा है, मगर यहाँ का बीजेपी मिनिस्ट्री हम लोग शिक्षित ट्राइब लोग उनको डिप्राइव करने के लिए, तकलीफ करने के लिए, मदद करने के बदले में हम लोग उनको डिप्राइव करने के लिए, तकलीफ देने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पास करता है। और एक बात और है, अभी हम लोग का गवर्नमेंट से भी, असम गवर्नमेंट से भी एक बात, नया डिपार्टमेंट खुला है, उस डिपार्टमेंट में है कि इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर बोल के प्रमोट कर रहा है। हम लोगों ने अपना गांव गांव में क्या चार्ज बोलो, मंदिर बोलो, और ये नामघर बोलो, मोस बोलो, जो ये सब भी क्या बनाने के लिए हम लोग का काउंसिल परमिशन लगेगा ना क्या। हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ में प्रमोट करता है और इधर में डिप्राइव कर रहा है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ये हम लोग का काउंसिल से ये सब चीज तो जितना अभी चल रहा है, अभी हम लोग भी सुनने मिला है हम लोग का काउंसिल में, जब हम लोग उनका आदमी से हम लोग कोई कोई कर तो, और लैंड ट्रांसफर करने के लिए कोई कोई 3 साल लग जाता है, कोई 2 साल लग जाता है, कोई 6 महीना लग जाता है, ऐसा कैसा हो रहा है। और जो पॉलिटिकल का साथ में कुछ रिलेशन होता है 1-2 दिन के अंदर में भी हो जाता है उनका,
और दूसरे लोग उनको तो डिप्रेस करते हैं, ऐसा कैसा होगा। और असम गवर्नमेंट से तो हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से तो बोला है कि फाइल और पेंडिंग नहीं होना है सेक्रेटरियट में, कितना तक भी पास किया था, और जो भी फाइल पेंडिंग होगा उनको ऊपर में एक्शन लेगा बोला है, मगर इधर में तो 2-3 साल ही पेंडिंग करता है। ये क्या चीज चल रहा है। हम लोग उनका ट्राइबल लोग उनका मदद करने के बल में वो लोग कोशिश रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिप्राइव करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहा है। और दूसरी बात है कि सब चीज अभी गांव गांव वाला लोगों ने अभी अपना यहाँ पर बनाने के लिए घर बनाने के लिए बिल्डिंग या रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए यहाँ पर आयोजन किया, उनका डॉक्यूमेंट्स 2-3 साल लग जाता है बनाने के लिए। अभी क्या उनको भी अपना भगवान को पूजा करने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए क्या उलुक काउंसिल को आके गांव गांव से रिमोट एरिया से आके उनको परमिशन लेगा ना किया। तो ऐसा कुछ हम लोग का टाउन एरिया में तो हम लोग कोई जगह में क्योंकि वी आर अंदर टाउन अंदर में है तो उलू टाउन का रूल्स हम लोग भी समझता है। जो लोग टाउन में रहता है उनका तो बिल्डिंग का परमिशन क्या क्या तो समझ सकता है, मगर व्हाट अबाउट द विलेजर्स, व्हाट अबाउट द विलेजर्स, विलेजर लोग के लिए क्या काउंसिल कभी भी नहीं सोचा ना किया है खुशी खुशी। इसलिए आप में हम लोग फैसला लिया है, इसमें कुछ रिलीजियस चीज नहीं है, इसलिए कुछ कम्युनल चीज नहीं, हम लोग वी आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द शेड्यूल ट्राइब जो हम लोग ट्राइबल लोग ने जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ। तो जितना ये 24 फरवरी में जो हम लोग उनका काउंसिल इसी से पास किया है वो रिवोक करना है 7 दिन के अंदर में। रिवोक नहीं करेगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेगा, बंद करेगा, काउंसिल तक को भी घेराव करेगा पब्लिक से जरूरत पड़ेगा तो। इसलिए ये धमकी नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, हम अपील है काउंसिल को। इसलिए जब फ्यूचर में कुछ होना होने से सब कम्युनिटी को कंसल्ट करो ना, सब ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करो ना, ताकि हम लोग उनका भी सोच भी बताएगा, ताकि हम लोग जैसा गवर्नमेंट ऑफ असम करता है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट करता है कंसल्ट करने के लिए हम काउंसिल को भी हम अपील करता है। इसलिए 7 दिन का अंदर ये रिवोक करना है, रिवोक नहीं होगा तो हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम में हम लोग प्रोटेस्ट रैली जाएगा, हेलो वी विल टेक दिस मैटर इफ नेसेसरी टू सुप्रीम कोर्ट भी लेगा, हाई कोर्ट में भी हम लोग फाइल करेगा पीआई। थैंक यू।